अच्छा, आपने अटेम्प्ट कितना लिया आज की सेकंड शिफ्ट? टोटल अटेम्प्ट किया हम लोग 100 लिया। हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन का लेवल आप क्या बता सकते हैं? क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट था और कुछ हार्ड क्वेश्चन भी थे, एक दो क्वेश्चन। अच्छा सर, आपने कितना अटेम्प्ट लिया है? 95 आपने लिया है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आप लोग बता सकते हैं क्या? जी सर, हाँ बता सकते हैं। बोलिए तो सोकर झील कहाँ है? अच्छा, उसके बाद सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? और कुछ? और सम्मेलन कहाँ हुआ था इस बार? हाँ, उसके बाद 2022 में फुटबॉल कप कहाँ होगा? 2022 में फुटबॉल कप कहाँ होगा उसके बारे में दिया हुआ था। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? और कोई जो है मतलब एक प्रोग्राम था उसको कौन चालू किया था? इतिहास कौन सा मुगल शासक स्थापित किया था वो पूछा गया था। और एक जी मैक्स सम्मेलन भी पूछा गया था। जी मैक्स 2021 में कहाँ हुआ? अच्छा, वो युद्धाभ्यास के बारे में जापान वाला। अच्छा, 90+ सब लोगों ने अटेम्प्ट किए होंगे। एक मिट्टी के बारे में दिया हुआ था कि कौन मतलब किस राज्य से संबंधित है मिट्टी। उसके बाद एक चक्रवात के बारे में दिया हुआ था, कौन चक्रवात कहाँ पे है, कहीं कहाँ पे नहीं है, इसके बारे में दिया हुआ था। ये सब आया था। हाँ, उसके बाद एक बायोलॉजी का था, जैसे कि राइबोसम था, लाइसोसम था, माइटोकॉन्ड्रिया था, उसमें बताना था इसमें कौन सा एकल झिल्ली वाला, कौन सा डबल मेम्ब्रेन वाला, कौन सा ट्रिपल मेम्ब्रेन वाला, इस टाइप से। और मैथ और रीजनिंग के कितने क्वेश्चन? मैथ का बहुत ही लो क्वेश्चन था, रीजनिंग का एक क्वेश्चन था। टोटल मिला के 5-6 क्वेश्चन होंगे दोनों मिला के। लेवल बिल्कुल, हाँ लेवल बहुत लो था। सिर्फ हाँ, जैसे एक क्वेश्चन था 2 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर था, फिर एक 2 सेंटीमीटर का था, दोनों को ऐड करने के बाद एरिया कितना होगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अकॉर्डिंग इस बार कट ऑफ क्या रहना चाहिए? नहीं, मैं इस जनरल का गया था 65 के आसपास गया था, 66 पॉइंट समथिंग गया था। हाँ हाँ, वही रहेगा गया इस बार, थोड़ा सा उसी के आसपास रहना चाहिए, क्योंकि इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का था। पिछले बार के कंपैरिजन में थोड़ा सा हाई लेवल का था। तो उसी वाले लोग बहुत सारे बोलते हैं कि उनका थोड़ा सा हार्ड पकड़ाया था फर्स्ट शिफ्ट वाला, तो कंपैरिजन में भी आप देखें तो लेवल कट ऑफ का उसी के आसपास रहने का, उसी के आसपास रहने का जरूरत है। क्योंकि सर बता सकते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में जो आप लोगों को कुछ याद हो? जी सर बताइए। जी वही दीवाने को ही या दीवाने क्या है, कहाँ पे हुआ था, जी मैक्स कब हुआ था, युद्धाभ्यास किसके बीच हुआ है, और बहुत सारे है कि कतर के बारे में पूछ रहा था, कहाँ कब को सम्मेलन के बारे में पूछा। अच्छा, और मैथ तो इजी ही था। अच्छा, मैथ इजी ही था। जी, और जनरली समझिए ना कि एवरेज क्वेश्चन सर था। एवरेज क्वेश्चन जी। आपने कितना अटेम्प्ट किया? अटेम्प्ट तो 97 लिए। 97 अटेम्प्ट किया, मतलब कि ऑलमोस्ट आपने अटेम्प्ट लेंगे। जी जी जी। तो आपके अनुसार भी कट ऑफ कितना होना चाहिए? 65 के आसपास होना चाहिए। 66 पॉइंट समथिंग था पिछली बार था। हाँ, तो उसी पर 65-70 के बीच में होना चाहिए। अच्छा, मेरे लगभग एक दो क्वेश्चन राइज कर सकता है या फिर उसी के आसपास रहता है? जी जी जी, लमसम यही होना चाहिए। लेवल सही था, एसआई के लिए बहुत बढ़िया उसका लेवल था। एसआई के लिए बहुत अच्छा था। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस जो आपको याद हैं बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो कौन सा उनका न्यूज़पेपर निकला था, तो वो इंडियन ओपिनियन निकला था, कुछ इस लेवल का था। और क्वेश्चन के मामले में बोले तो खेल से थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन लगा, बट बाकी सारा ठीक था। जो कुछ मिलान करने वाले थे जिसमें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन था, और गोलमेज सम्मेलन था, तो इस समय मिलान करना था कि कौन कैसे आया, सीरियल सीरियल बताना था, मतलब डेट के अकॉर्डिंग करेंट के क्वेश्चन थे। खेल से बहुत सारा क्वेश्चन थे, जैसे कि अभी हुआ है टोक्यो वाला था, हमने तो 100 में 100 लिया। नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ऑप्शन थोड़ा सा था कन्फ्यूजन वाली, और थोड़ा 74 अटेम्प्ट। और सर आपने कितने अटेम्प्ट लिया? 80। कितने अटेम्प्ट लिया जरा मैं एक बार? 80 अटेम्प्ट लिया। हाँ 80। आप बोल रहे थे कुछ क्वेश्चन उटपटांग पूछ रहे हैं, किस सेक्शन का उटपटांग आपको लगा था? इसमें इकोनॉमिक्स आर्ट से कुछ क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स से कुछ आर्ट क्वेश्चन, ठीक है। बाकी मतलब करेंट से भी था कुछ? करेंट से भी कुछ उठा से अच्छा क्वेश्चन था, पद्मश्री या 2021 का अवार्ड आर्ट से जो था नोबेल पुरस्कार उससे क्वेश्चन कुछ था ना उसमें, कोई कुल मिला के मॉडरेट कह सकते हैं। हाँ अच्छा था, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था। हार्ड नहीं था जो हम 73 किए हैं। 73 73 और करंट से था ठीक ठाक था, अभी तो ऐसे नहीं बता सकते। आपको याद है बता सकते हैं? जब फीफा जैसे पूछा था, फीफा 2021 में कहाँ हुआ है, फीफा के बारे में पूछा था। उसके बाद आपको
ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है 2001 में उससे था रिलेटेड। उसके बाद आपको ये एक मैथ से था, ये दिया चार अंक का दिया हुआ था, एक मतलब एक एक्स करके लिखा था, चार अंक का डिजिट था उसमें लिखा हुआ था, एक का वैल्यू क्या होगा जो पूर्णतः विभाजित होगा 11 से। क्वेश्चन ठीक था मेरे लिए, सही था मेरे लिए। बहुत ज़्यादा टफ नहीं था क्या? ना टफ नहीं था, बिल्कुल टफ नहीं था, एवरेज था, जिसमें से कह सकते हैं हिस्ट्री और जो इकोनॉमिक्स ही सबसे ज़्यादा फोकस किया था। करंट कितने क्वेश्चन थे? हाँ, करंट 20 से 25 क्वेश्चन थे। 20 से 25 क्वेश्चन। हाँ। और अटेम्प्ट कितना किया? मैंने 70 प्लस 70 प्लस अटेम्प्ट। यस। 100 अटेम्प्ट नहीं किया? नहीं, 100 किया गया था। नोबेल पुरस्कार शांति का नोबेल किसे दिया गया था? और था एक कप दंत मांजन को मुंह से धोते हैं तो उसमें किस पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन का लेवल कैसा था? ये क्वेश्चन का जो लेवल था टॉप टू मॉडरेट कहिए उसको, टॉप टू मॉडरेट, लड़का 60% लड़का मार सकते हैं उसके बाद। अच्छा, 60% मार सकते। हाँ, उसके बाद माइंड का ऑफसेट था। और करेंट से क्वेश्चन? करेंट से क्वेश्चन था ना भाई, करेंट से कितना क्वेश्चन था? नोबेल क्वेश्चन याद कीजिए। 15 क्वेश्चन था, 15 क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार रानी रामपाल कौन सा खेल खेलती है? रानी रामपाल कौन सा खेल खेल रही है? रानी रामपाल। और दिवस से था? दिवस से था जी। साइंस में आपने कितना अटेम्प्ट लिया है? मैंने तो 75 अटेम्प्ट किए हैं। 75 जी, क्योंकि नेगेटिव मार्क मॉडरेट था। अच्छा। और नेगेटिव मार्किंग भी था जी।